बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग निकल रहे हैं फ़िशिंग के लिए। बंगला डैम का ट्रिप है हमारा, वन डे या टू डे कह लें। आज हम लोग हफ्ते वाले दिन निकले हैं और अभी शाम तक हम लोग पहुँचेंगे मंगला, और फुल नाइट गेम करनी है और कल का पूरा दिन है हमारे पास। नज़ीराबाद में ब्रेक लगाई है हम लोगों ने। इधर फ्रूट्स वगैरह कुछ खरीद रहे हैं थोड़े बहुत। उधर रात को हमने उधर ही रहना है और कल का दिन भी उधर ही होगा, तो उधर से कुछ भी खाने वगैरह के लिए नहीं मिलेगा, तो अभी इधर से ही सब चीज़ें ले रहे हैं खाने पीने के लिए। अभी सारा खाने पीने का सामान अरेंज कर रहे हैं, ये खाना बनाने के लिए, सब्जियां वगैरह और फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए ले लीजिए। दीना सिटी में और इधर जो मीरपुर की तरफ टर्न होता है इधर रुके हुए हैं। इधर अब लास्ट हमारा स्टॉप था, इसके बाद हम सीधा डैम पर पहुँचेंगे। अभी यहाँ पर रुक के कुछ चीज़ें वगैरह ले रहे हैं, वॉशरूम वगैरह से फ्री हो रहे हैं, और जोहर का टाइम हो गया था तो नमाज़ वगैरह पढ़ के अब आगे निकल रहे हैं। अटक के पंप से कुल्फी मिली है, सही जमी हुई, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो ये वाली खा रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल निकल रहे हैं अब आगे की तरफ। हमें एक घंटे का सफ़र शायद अभी हो रहा है जिधर स्पॉट पे जाना है, तो अब आप लोगों को मैं उधर ही पहुंच के मिलूँ। हम लोग पहुंच गए हैं स्पॉट पे और अभी सारे रॉड्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, कुछ कास्ट कर लिए हैं, तो अभी मैं आप लोगों को ये सारा सेटअप अभी का दिखाता हूँ। उसके बाद रात होती है, तो उससे पहले पहले हमने कैंप्स वगैरह का भी कुछ करना है, फिर रात के लिए बैठने का सब कुछ सीन करना है। तो अभी मैं ये जो रॉड वगैरह बना रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैं कोई बन रहा है रेस्टोरेंट ही बन रहा है। ये देखेंगे, अभी हमें एक परी मछली लगी है रात के टाइम में, अभी अभी लगी है, निकाली है बस, अब इसे पानी में वापस रखेंगे। अभी रात के टाइम हमें एक दाना लगा है। आज मैं ये वीडियो बनाता, मैं रनिंग नेट मारता हूँ, ये वीडियो बनाए जल्दी लग रहे हैं। हमारे दोस्त को लग गया माशाल्लाह से, दाना एक लगा है पानी में। सुबह हुई है और हम लोगों ने अभी डोरे वगैरह कुछ नहीं की है, नहीं लगाई हैं। अभी रात को हम लोगों ने छोड़ दिया था शिकार करना, हवा वगैरह काफ़ी तेज़ थी, तो अभी दोबारा से शुरू किया है। अभी डोरे वगैरह कुछ लगा ली हैं, तो अब जैसे कोई मछली लगती है तो मैं उसकी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँ। अभी हवा की वजह से पानी की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल तो शिकार काफ़ी हद तक रुका हुआ है, लेकिन बीच में कभी कभी लग रही है मछली। तो बैठे हुए हैं, अभी शाम तक हम इधर ही हैं, जो जो शिकार होता है आप लोगों को भी दिखाएंगे। इधर से लेके तो ये आगे तक हम लोगों ने सेटअप लगाया हुआ सारा। ये एक हमारे साथ भाई आए हुए हैं, उनका सेटअप लगा हुआ है, ख़ुद तो इस टाइम वो सो गए हुए हैं, और ये उनकी डोरियां लगी हुई हैं। ये आगे वाली मेरी डोरियां लगी हुई हैं। ये मैंने आगे दो रॉड्स लगाए हैं, यहाँ तक हमारा सेटअप है। देखें
खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सिलेंडर आ गया और ये प्याज वगैरह काट रहे हैं। चलो मेन पीसी छोड़े थे साइज क्या उनका ठीक ही हो। अभी मैं खाना वगैरह खा के फ्री हूँ, अब डोरे वगैरह दोबारा से नहीं करने लगाऊँ ताकि इन पर नया आटा वगैरह लगाऊँ ताकि मछली वगैरह फिर अब अट्रैक्ट हो इसकी तरफ। अभी पानी काफ़ी स्टेबल हो गया, पहले हवा चल रही थी तो अब मछली लगने के ज़्यादा ज़्यादा जा। ये छोटी सी मछली लगी थी, इसे मैं वापस पानी में छोड़ने लगा। ये अभी हम लोगों को एक और दाना हिट हुआ है, इसे निकाल रहे हैं। अभी मैं लैंडिंग नेट पकड़ के इसके लैंड करना है। ये ले वीडियो बनाए हमारी और तो ध्यान दे रोटी खा ली, उंगली पीछे करो, वीडियो बन गई है देखना। इजी इजी इजी, मेरी बात सुनो, इसको आराम से उठाओ, तुम्हारी दूसरी डोरी चल चुकी थी। अच्छा दाना है मछली, माशाल्लाह वही साइज है। फ्रेंड्स हम लोगों का गेम सही वाली शुरू हुई है। ये भी मेरे हाल में कोई पिछले 5 मिनट में कोई तीसरा गाना लगा। ये भी बैठे हुए उतना इसके नीचे आ जाएगी। आराम से उन्हें जब मैं कहूँगा तब उठाना है, पैसे नहीं उठाना अभी, नहीं उठाना तुम्हें, जब मैं तुझे कहूँगा तब उठाना। आसिम भाई बिल्कुल नीचे नहीं करें, नेट ऊपर करें। आसिम भाई बिल्कुल नीचे नहीं करें, नेट ऊपर करें, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा, चलो उठा दें बस। और नीचे नीचे रॉड है, और नीचे अभी भी रॉड है, रॉड आपने घुमा दिया, रॉड आपने घुमा दिया। ये व्यूअर्स, अल्लाह के करम से हमने एक को दाना पकड़ लिया माशाल्लाह। ये नारायण है, नारायण वो पिंक वाले पे नहीं, ठीक है, जबरदस्त। ओ बस बस आप नहीं जाने देते, टेंशन ले, काम हो गया। और अब हम लोग कर रहे हैं पैकिंग वापसी निकलने के लिए, और ये लास्ट वगैरह रॉड वगैरह सारे कास्ट किए हुए हैं, इसके बाद अब निकलना है तो वापस दोबारा कास्ट नहीं करने। अभी ये निकल के सारी पैकिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं मछली निकालता हूँ पानी से, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मछली जो हम लोगों ने आज पकड़ी है। ये देखें जी, ये मछली जनाब हमें लगी है, शिकार लगा हमें माशाल्लाह से। ये देखें जनाब, ये कितने हैं भाई दाने, कितने दाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और दो भाई दो लहता बाहर पड़े हुए हैं, वो 12 टोटल 12 से 13 दाने हैं, ठीक है। और अब इनको हम ज़रा ठंडा करने लगे हैं, ठंडे से मुराद के इनको ज़रा बाहर निकाल के थोड़ा छोड़ देंगे ताकि फिर उसको जनाब हम लोग इसको बर्फ़ में लगाएं और फिर साथ ही लेके जाएं इनको। एक्सपीरियंस
और इस टाइम अब हवा इतनी तेज चल रही है, पानी में आप देखें कैसी लहरें फुल भर रही हैं इस टाइम। और आज बारिश की प्रेडिक्शन हुई हुई है यहाँ पे इस एरिया में, कोई पता नहीं इससे पहले बारिश हो। हम लोग निकलने की बस तैयारी कर रहे हैं, सामान अब लोड कर रहे हैं हम लोग पिकअप में अपनी। ले मैं आपको मछलियाँ दिखाते हैं यहाँ पे, अभी हम उसको लेता निकालने लगे हैं दापड़े में। ये बड़ी मछलियाँ और ये छोटी मछलियाँ और कुछ ये भी निकाल रहे हैं हम लोग थैले में से। This is roach. Roach आ गया। ओह, कोई ब्रश हिमालयन के। ये देखिए। साइड फिश। ये वो अभी भी नोट जा रही है। बढ़िया हो तो फिर अभी हम लोग फिशिंग वगैरह करके फारिग हो गए। आप लोगों ने सारा हम लोगों का फ़िशिंग वाला ब्लॉग देखा होगा, जो शिकार हम लोगों ने किया वो भी देखा होगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए वापस, और आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों को एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।